हे गाइस, वेलकम बैक टू मूवीज गॉन। आज के इस वीडियो में बात करेंगे टॉप 6 सबसे बेस्ट एनिमेटेड मूवीज को। आजकल ज़्यादा लोग सोचते हैं कि एनिमेटेड मूवी बच्चों के लिए होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। एनिमेटेड मूवी बड़ों को भी उतनी पसंद आती है जितनी बच्चों को पसंद आती है, क्योंकि इन मूवीज़ को इसी तरह बनाया जाता है। इसलिए आज सबसे बेस्ट एनिमेटेड मूवी को कवर करेंगे। द एडवेंचर ऑफ टिनटिन, ये मूवी 2011 में आई थी। ये एनिमेशन एक्शन एडवेंचर मूवी है। इस मूवी में हमें दिखाया जाता है नीडर रिपोर्टर टिनटिन और उसके डॉग को। टिनटिन मार्केट में अपना स्केच बनवा रहा होता है, तभी मार्केट में एक अनोखा जहाज उसे दिखाई देता है जो 17वीं सेंचुरी का होता है। इस जहाज का नाम था यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न जहाज में एक सीक्रेट खजाने का नक्शा छिपा होता है जो टिनटिन को पता नहीं होता। आगे मूवी में देखना कैसे खजाने तक के सफ़र में इन्हें किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, ये तो मूवी देखने के बाद ही आपको पता चलेगा। इस मूवी को IMDb पर 7.3 की रेटिंग मिली है। नेक्स्ट मूवी लक, ये 2022 की एडवेंचर कॉमेडी मूवी है। इस मूवी में हमें कहानी दिखाया जाता है एक अनलकी गर्ल जिसका नाम सैम होता है, और वह बहुत ज़्यादा अनलकी होती है। जो काम आसानी से हो जाना चाहिए उसमें भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ ही जाता है। लेकिन एक दिन सैम को एक छोटा सा कॉइन मिलता है, जिसके बाद इसका बैड लक गुड लक में बदल जाता है और हर काम बहुत आसानी से होने लगता है। पर इसका लक फिर से ख़राब हो जाता है और इसके हाथ से कॉइन छूटकर पानी के अंदर गिर जाता है और लक को भी खो देती है। पर वह इस लक को वापस पाना चाहती है, जिस लक की खोज में लैंड ऑफ लक पहुंच जाती है, जहां पे लकी लोग रहते हैं, जहां पे हर इंसान का लक बनाया जाता है। तो आगे क्या होता है आप इस मूवी के अंदर देखिए। इस मूवी को IMDb पर 6.4 की रेटिंग मिली है। नेक्स्ट मूवी एलिमेंटल, ये मूवी एडवेंचर कॉमेडी मूवी है। इस मूवी में कहानी दिखाया जाता है एम्बर नाम की लड़की जो फायर एलिमेंट से बनी होती है, और वेड नाम के लड़के के बारे में जो कि वाटर एलिमेंट से बना होता है। मूवी के दौरान एम्बर को अपनी फैमिली को साबित करना होता है कि मैं भी लायक हूँ। यह साबित करने के दौरान एक गड़बड़ी हो जाती है जिससे उसके फैमिली के बिजनेस में नुकसान होने लगता है। उसके लाइफ में वेड आता है, शुरुआत में उसकी मुसीबत को बढ़ा देता है, लेकिन धीरे धीरे प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करता है। अब क्या इनकी मुसीबत सॉल्व हो पाती है या नहीं, और इनकी लव स्टोरी की कहानी कैसे खत्म होती है, ये आप मूवी में देखिए। इस मूवी को IMDb पर 7.1 की रेटिंग मिली है। नेक्स्ट मूवी ट्रोल हंटर राइज ऑफ द टाइटंस, ये 2021 की एक्शन एडवेंचर मूवी है। इस मूवी में हमें कहानी दिखाया जाता है जेम्स एक जूनियर का, जो पहला इंसानी ट्रोल हंटर होता है, जो आर्केडिया होप्स नाम के शहर में रहता है, जिसमें उसके दोस्त टोबी और क्लेयर होते हैं और खुद दोस्त दूसरी दुनिया के होते हैं। इनकी दुनिया एक बहुत बड़े खतरे में है। ये काम शैतानी विजेट का है जिन्हें आर्केन ऑर्डर कहते हैं। इन्हें जेनेसी सील्स की तलाश है। ये मूवी एक कमाल की मूवी है जो आप देख सकते हैं। इस मूवी को IMDb पर 6.6 की रेटिंग मिली है। नेक्स्ट मूवी नेजा, ये 2019 की एनिमेशन एक्शन एडवेंचर मूवी है। मूवी में हमें दिखाया जाता है नेजा, जो एक बड़ी दुर्घटना के कारण नेजा लाल मोती से जन्म लेता है और बालपन में ही बाल दानव बन जाता है, जिससे गांव के लोग उसे नहीं अपनाते हैं, मार देने का सुझाव देते हैं, लेकिन उसके माता पिता ऐसा नहीं होने देते। और एओबिन जो समुद्र में रहने वाले ड्रैगन का बच्चा होता है, जो नीले मोती से जन्म लेता है। आगे मूवी में देखना क्या क्या होगा। ये मूवी एक बहुत ही अच्छी मूवी है जिसे आप देख सकते हैं। इस मूवी को IMDb पर 7.4 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिला है। हमारी फर्स्ट नंबर की मूवी है
स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडर वर्स मूवी में हम देखते हैं माइल्स मोरालेस अपनी दुनिया में स्पाइडरमैन बनकर अपना फर्ज निभा रहा होता है। तभी उसके शहर में द स्पोर्ट नाम का आदमी आ जाता है जिसके पास पोर्टल से स्पेस में ट्रैवल करने की पावर होती है, जो मल्टीवर्स में जाकर गड़बड़ी मचाता है। ऐसी ही गड़बड़ी को ठीक करने के लिए मिगेल ओहेरा स्पाइडर सोसाइटी बनाया था जहां सभी मल्टीवर्स के स्पाइडरमैन होते हैं। द स्पोर्ट को रोकने के लिए ग्वेन अपनी टीम के साथ माइल्स की दुनिया में पहुंच जाती है। आगे मूवी में देखना क्या क्या एडवेंचर होगा। इस मूवी को IMDb पर 8.9 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिला है।